तो भाइयों कैसी तैयारी आज की? बहुत अच्छी। बैल का बच्चा आ गया आज पूरा पूरा। जय श्री राम। जितने अतिथि हैं आज के इस आयोजन में जो सहयोगी हैं, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि आज है 30 तारीख और साथ ही साथ है श्री रामनवमी, और आप सभी को श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरी फैमिली की ओर से। और गाइस, जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि आज 1 बजे श्री रामनवमी शोभा यात्रा शुरू होनी है, तो अभी उससे पहले मैं निकल रहा हूँ घर से बाहर और थोड़ा देखने आ रहे हैं कहाँ पर क्या काम हो रहा है, कहाँ पर कितनी सजावट है, कहाँ पर कितनी तैयारियाँ, ये सब कुछ देखने आ रहा हूँ। और गाइस, अब आप लोग भी साथ में चलिए और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कहाँ पे कैसा कौन सा डीजे है और कहाँ पे किसकी कितनी तैयारी है, क्योंकि आज मैंने सुना है कि आज हमारी दिल्ली में श्री रामनवमी शोभा यात्रा में यूपी मॉडल बाबा का मॉडल भी है हमारे साथ में। बाबा का मॉडल है, बाबा का मॉडल में मतलब आज हमारे साथ श्री रामनवमी शोभा यात्रा में आज की JCB भी हमारे साथ जाएगी। और चलो चलते हैं, बाकी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने इस वीडियो में आज की हमारी मतलब कहाँ कहाँ पे क्या क्या तैयारी हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ दिखाता हूँ। और उस मंदिर तक भी जाएंगे जहाँ पे आज श्री रामनवमी की शोभा यात्रा शुरू होनी है। सो गाइस, चलो चलते हैं। सो गाइस, अभी घर से बाहर निकल और अभी घर से बाहर निकलते के साथ ही तो ये कुछ बच्चे दिखे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। अभी ये लोग बच्चे भी तैयार हो गए और श्री रामनवमी शोभा यात्रा में जाने के लिए सभी के सब तैयार हो गए। और उससे पहले अभी ये लोग खा रहे चौमिन, चौमिन की पार्टी करी है। जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। तो पूरी पूरी तैयारी है ना आज जाने की? आज सारे हिंदू एक साथ मिलके शोभा यात्रा मनाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो गाइस, अब चलते हैं आगे और आगे भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कहाँ पे कितनी कैसे क्या क्या तैयारी है। तो गाइस, चलो चलते हैं। तो गाइस, अब बाइक स्टार्ट कर लिया और अभी मेरे साथ में वंश और तनिष्क, हम तीनों जा रहे हैं और अभी आप लोगों को दिखाते हैं। उससे पहले अभी जाएंगे हम लोग डी ब्लॉक में। सो गाइस, अभी हमारे घर के इधर का मंदिर है और आप लोग देख सकते हैं इधर गुब्बारे लगा के भी और सजा दिया गया है। और ये देख सकते हैं, इससे पहले तो मैंने आपको झंडियाँ लगाते हुए भी दिखा दिया था पिछले ब्लॉग में अपने। और गाइस, अब ये हमारे घर का इधर का मंदिर है, अब चलते हैं हम आगे डी ब्लॉक की तरफ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टेज की तैयारी भी चल रही है, यहाँ पे स्टेज भी लग रहा है और इधर प्रसाद का भी प्रोग्राम, और इधर सामने भी प्रसाद का प्रोग्राम है। और अब ये पहुँच गए हम अजय और अमित के घर के पास में जहाँ पे हमारा DJ और मूर्ति है। सो गाइस, अब मैं पहुँच चुका हूँ डी ब्लॉक में अपने अमित और अजय के घर के पास में, जहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था हमारा प्रधान DJ है और एक मूर्ति है, जो कि अब आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमारा प्रधान DJ है। यही DJ आज हमारे साथ जाएगा श्री रामनवमी शोभा यात्रा में, और साथ के साथ में हमारी ये मूर्ति है भोले बाबा की, जो कि हमारे साथ जाएगी अभी। और ये हमारे अमित प्रधान जी बिना नहाए तो तैयार ऐसे होकर बैठे हुए हैं, और ये हमारे DJ वाले भाई हैं, हमारे इस प्रधान DJ के साथ में हमारे 7 भाई आए हैं। जय श्री राम भाइयों। जय श्री राम। और गाइस, जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे इधर UP मॉडल आया है बाबा जी का, जो कि JCB का है, वो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। सो गाइस, अब आप लोग देख सकते हैं ये JCB है, और ये JCB भी हमारे साथ जाएगी श्री रामनवमी शोभा यात्रा में। ये UP मॉडल बाबा जी का मॉडल JCB, और ये बच्चे भी हैं। हाय। सो गाइस, अब यहाँ से आगे चलते हैं और आगे और भी जगह आपको तैयारी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ अभी आप लोगों को वो मंदिर भी दिखाऊंगा, आज भी वो मंदिर दिखाऊंगा जहाँ से श्री रामनवमी शोभा यात्रा शुरू होनी है, श्री बाबा बालकनाथ मंदिर, वहाँ पे भी जाके देखेंगे वहाँ पे क्या क्या तैयारी हो रही है, कैसे कैसे कितना क्या हो गया है। सो गाइस, चलो चलते हैं। तो गाइस, अभी डी ब्लॉक में एक जगह और आया हूँ और अभी आप लोगों को वहाँ पे दिखाता हूँ, वहाँ पे भी 2 झांकियाँ हैं, जो कि ये आप लोग देख सकते हैं प्रभु श्री राम दरबार है यहाँ पे, और इसी के पीछे में 1 झांकी और है। भाई लेना आगे जरा, ये देख सकते हैं इधर, ये भोले बाबा की 1 झांकी और है इधर, जो कि ये देख सकते हैं ये खोपड़ी के ऊपर है, जो कि बहुत ही खतरनाक रूप में लग रहे हैं। और अभी जब पूरी रामनवमी शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों को भी श्री रामनवमी शोभा यात्रा में भी सारी झांकियाँ जितनी भी शुरू से लेकर एंड तक जो भी तैयारियाँ वो सब आपको मैं दिखाऊंगा।
अब गाइस चलते हैं आगे की तरफ में, और भी प्रोग्राम देखते हैं और आगे डीजे भी देखते हैं कौन कौन से कहाँ कहाँ पे क्या क्या डीजे आ रखे हैं। सो गाइस अभी मैं डी ब्लॉक के पास आर जेड ब्लॉक में आया हूँ जो कि थोड़ा सट के है, और यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ पैकिंग वाले दो डीजे हैं, और यहाँ पे स्टेज भी लगा हुआ है जो कि श्री रामनवमी शोभा यात्रा का स्वागत करेगा। सो गाइस ये माँ का डीजे, और ये देखिए दो पैकिंग वाले डीजे हैं और फुल लाइटों के साथ में बिल्कुल लॉक के एयरपोर्ट सेटअप ऑन कर रखा है। और आगे चलते हैं अभी, और अभी आप लोगों को एक डीजे और दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे भी एक डीजे और आ रखा है, और साथ के साथ ही इधर पीछे श्री रामनवमी शोभा यात्रा की भव्य स्वागत के लिए यहाँ पे स्टेज लगाया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं इधर पीछे की तरफ। तो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं इधर कितना बड़ा बैनर लगा हुआ है श्री राम जी का, और इधर रोड पे भी देख सकते हैं आप लोग ये रूट है, और फुल ओके रोड तरीके से सजावट वगैरह चल रखी है, इधर तैयारी हो रखी है पूरी। और अब चलते हैं आगे, और आप लोगों को आगे और भी दिखाता हूँ, क्योंकि आज की जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे इधर से बहुत ही भव्य रूप में श्री रामनवमी शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है। सो गाइस आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें साथ ही साथ ही। जय श्री राम। सो गाइस अब मैं आ चुका हूँ अपने ख्याला 803 बस स्टैंड के पास में, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये 803 के पीछे मंदिर भी है, और यहाँ पे भी अभी एक डीजे और दिखा है मेरे को, ये है बॉडीगार्ड डीजे, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाला डीजे। और इसमें सेटअप देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा सेटअप लगा हुआ है इसके साथ में। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग बॉडीगार्ड डीजे है यहाँ पे, जो कि इसने दोनों साइड में अलग अलग बेसे टॉप लाइनर वगैरह और लाइटिंग भी बहुत अच्छी लगा रखी है, जो कि अब रात को जब चलेगा तो रात को भी आप लोगों को मतलब ब्लॉग में दिख जाएगा, और साउंड भी सभी का आप लोगों को मैं सुनाऊंगा किस किस का कैसा ज़बरदस्त साउंड है। और ये यहाँ के ये भाई हैं, इन्होंने ये डीजे बुलवाया है जो कि हमारी मार्केट के अपने। जय श्री राम भाई। तो भाई फिर आज ताबड़तोड़ वाला तरीके वाला ओके, जय श्री राम। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग, अभी तो ये थोड़े बहुत ही हैं, अभी इनका पूरा ग्रुप आएगा और ये लोग अभी तैयार होके फिर जाएंगे श्री रामनवमी शोभा यात्रा में, जैसे कि अभी हम लोग को भी जाना है, और ये देख सकते हैं, और बाकी चलते हैं आगे, आप लोगों को आगे और भी तैयारी दिखाता हूँ। सो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, अभी ये ट्रोले खड़े हैं, यहाँ पे भी तैयारी चल रही है, और ये है हमारे मंडी के पास का मंदिर है, और यहाँ की तैयारी देख सकते हैं, यहाँ पे गुब्बारे लगा के भी तैयारी कर रखी है, और यहाँ पे भी लंगर प्रसाद की भी तैयारी चल रही है, और यहाँ पे साथ के साथ स्टेज भी बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये दिखा रहे हैं झांकी, ये देख सकते हैं आप लोग एक झांकी यहाँ पे भी है, और ये शेठ माता मंदिर की तरफ से तैयार होकर निकलेगी, और चलते हैं अभी आगे की ओर। तो गाइस ऐसे तो बहुत बड़ा रूट है, और क्योंकि मैं अभी आप लोगों को पूरा प्रॉपर दिखा नहीं पाऊंगा, इससे अभी चलते हैं बाबा बालकनाथ मंदिर। देख सकते हैं आप लोग ये भी एक रूट है, और यहाँ पे कम से कम रात को 8 से 9 बज जाएंगे श्री रामनवमी शोभा यात्रा को पहुँचते, और यहाँ की भी तैयारी आप लोग देख सकते हैं, इधर लंगर प्रसाद की भी हर एक जगह पर देख सकते हैं टेंट लगे हुए हैं, पूरी तैयारी चल रही है, और
हाँ जय श्री राम। और गाइस ये देख सकते हैं आप लोग ऊपर बैनर दिखे, सो गाइस देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा बैनर भी लगा हुआ है श्री राम जी का, जिसमें लिखा हुआ है श्री राम नवमी शोभ भव्य शोभा यात्रा में आए सभी राम भक्तों का हार्दिक स्वागत। इधर देख सकते हैं आप लोग, इधर डीजे के सेटअप की भी तैयारी चल रही है, जो कि बहुत ही तगड़े वाली लाइटिंग के साथ में डीजे लगेगा, और इधर भी प्रसाद पानी प्रसाद का प्रोग्राम चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा जाम लगने की वजह से अभी मैंने अपनी गाड़ी पीछे बाइक मतलब पीछे पार्क कर दी है, और इधर आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है इधर, ये देख सकते हैं जो कि अभी पूरे रूट को मतलब व्यवस्था बनाई जा रही है और जाम को ख़त्म किया जा रहा है बिल्कुल ही। और अभी चलते हैं, मैं आप लोगों को अभी झांकियाँ भी दिखाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे साथ में दिल्ली पुलिस की ओर से भी पूरा पूरा सहयोग दिया जा रहा है, भोले बाबा जो कि पूरा पूरा सहयोग दिया जा रहा है। और अब आप लोगों को मैं यहाँ की पूरी झांकियाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या क्या तैयारी चल रही है हमारी। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे अभी काली माता की एक झांकी है, और आगे चल के आप लोगों को और भी झांकियाँ दिखाता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे देवों के देव महादेव भोले बाबा की एक बहुत ही सुंदर सी झांकी है, जो कि नंदी जी के साथ में इधर है, और ये शिवलिंग है और बाबा की मूर्ति, और इधर शेरों वाली माता की भी मूर्ति है जो कि झांकी है। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे हनुमान जी की भी बहुत बड़ी सुंदर सी झांकी है, बहुत ही अच्छी लग रही है जो कि, अभी मैं आपको बैक कैमरे से और दिखा देता हूँ। साथ के साथ ही अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भोले बाबा पूरे परिवार सहित यहाँ पे भी विराजमान है, जो कि एक झांकी है, और साथ के साथ में इधर देख सकते हैं भगवान श्री विष्णु जी की एक झांकी है, और यहाँ पे सामने आप लोग देख सकते हैं स्टेज लगा हुआ है श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा झांकी, बाबा बालकनाथ मंदिर वालों की ओर से ये स्टेज लगाया गया, यहाँ पे सभी का मान सम्मान होगा और यहीं पर ही सभी को पगड़ियाँ बंधेगी और सभी को पगड़ियाँ मिलेगी। और अभी बस जैसे कि अभी आप लोगों को यहाँ पे ये खाली दिख रहा है, पर थोड़ी देर बाद आधे एक घंटे बाद फिर यहाँ पे फुल इतना क्राउड हो जाएगा कि पैर रखने की जगह नहीं होगी। और अभी चलते हैं आगे की तरफ में, आप लोगों को और भी झांकी दिखाता हूँ। सो गाइस अभी आगे और चलते हैं और आप लोगों को और भी बहुत सी सुंदर सुंदर बहुत सारी जितनी भी यहाँ पे झांकियाँ वो सभी आप लोगों को दिखाता हूँ। और साथ के साथ अब इधर देख सकते हैं टेम्पो ट्रोले के ऊपर आधे परिवार है बिल्कुल ही, जैसे कि अभी आप लोगों को एक दिखाई थी और दूसरी एक ये है। और अभी आगे और चलते हैं और आप लोगों को श्री राम जी की जो कि हमारे प्रभु श्री राम जी की पालकी जो कि तैयार हो रही है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं ये राम पालकी राम दरबार पूरा तैयार किया जा रहा है, इसमें प्रभु श्री राम जी की पूरा राम दरबार होगा इसमें। और अभी आगे चलते हैं आप लोगों को और भी झांकी दिखाता हूँ, और ये बाबा बालकनाथ मंदिर है जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था, और यहीं से श्री रामनवमी शोभा यात्रा की शुरुआत है, यहीं से श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जय श्री राम भाई। तो गाइस अब आप लोग को एक झांकी और दिखाता हूँ, जय श्री राम जी, ये हमारे भैया जी हैं, जय श्री राम। प्लीज आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें। और अब आप लोग को और झांकी दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे पंचमुखी हनुमान जी की झांकी है, ये देख सकते हैं। और अभी आपको बैक कैमरे से और दिखाता हूँ, बैक कैमरे से और ये देखिए आप। अब यहाँ पे भी लोगों को झंडे दिए जा रहे हैं बाइकों पे गाड़ियों पे लगाने के लिए, सभी लोगों को इसी जगह पे यहाँ पे भैया के पास में झंडे दिए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे झंडे साथ के साथ में झंडे भी हैं, और ये सब सभी को दिए जा रहे हैं यहाँ पे।
अब हमने भी अपनी बाइक की स्कूटी के लिए यहाँ से झंडे ले लिए और अब अपने झंडे को लगा रहे झंडे में, क्योंकि अभी मैंने तीन लिए हैं, तीनों के तीनों अभी। सो गाइस यहाँ पे अभी झंडे के लिए सारे बच्चे परेशान कर रहे हैं और ऐसे सभी को दिए नहीं जा सकते झंडे। तो अभी जिसके पास में बाइक साइकिल या स्कूटी है जो इधर लेके आएगा उसी को यहाँ पे झंडे दिए जा रहे हैं, जैसे कि अभी अब हमारे मिल गए झंडे और अब हम ये तीनों झंडे लेते हैं और अपने साथ साथ घर की तरफ चलते हैं और आप लोगों को आगे और भी दिखाएंगे। सो गाइस चलो चलते हैं। आयोजन में जो सहयोगी हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए पगड़ी पहनाने की जो व्यवस्था है। और गाइस अब यहाँ पे साथ के साथ पगड़ियाँ भी बांधनी शुरू हो चुकी है क्योंकि समय को देखते हुए 12 बजे का टाइम हो गया और यहाँ पे भी साथ के साथ अब पगड़ियाँ बांधी जा रही है। सबको सम्मानित किया जाएगा, हम सब लोग, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय भी है, आपको मैं बैक रविंदर हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, रुद्र सेना बजरंग दल हिंदू राष्ट्र की मांग करता हुआ। तो गाइस ये हमारे कुंदन जी हमारे बड़े भाई हैं, जय श्री राम। और अब गाइस चलते हैं घर की ओर, रास्ते में और डामी जो तैयारी दिख रही है वो आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अभी हमारे को भी टाइम से पहुँचना इधर तैयार होने के लिए। उसको गोदी में उठा रहा हूँ, अभी यहाँ पे जाम लगा हुआ है, बंद चलो आगे। तो गाइस अब मैं आप लोगों को एक झांकी और दिखाता हूँ जो कि हमारी इंडियन आर्मी को समर्पित है, श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से। और अब आप लोग देखिए और प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरे आज का ये वीडियो और ये जो मैंने झांकी दिखाई है आप लोगों को कैसी लगी। प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ ही अभी तक जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और गाइस अब निकल रहे हैं घर की ओर यहाँ से अपनी बाइक लेके और रूट भी देखते रहेंगे साथ ही साथ और जहाँ जहाँ जो जो भी तैयारी हो रखी होगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस अब फाइनली मेरे भाई भी आ चुके हैं जनकपुर से जो कि यार थे और साथ में उसके काफ़ी यार दोस्त भी हैं जो कि जिनको मैंने फ़ोन करके स्पेशली सबको इन्विटेशन दी थी जो कि हमने दिखाया था, तो उसको देख के और सभी को मैंने बताया ये नमस्ते ये हमारा भाई है साहिल, ये साहिल के भाई सारे यार दोस्त ये सारे अपने बच्चे और ये अपने काफ़ी सारे भाई आए हैं साथ ही और ये अपना नितिन भी आ गए, नितिन के साथ में और भी भाई आए हैं। तो गाइस अब जा रहे हैं हम लोग डी ब्लॉक की तरफ जहाँ पे हमारा सिस्टम है और अपने सारे भाई भाई भी साथ में चल रहे हैं जो कि साहिल और नितिन के साथ में आए जनकपुर से स्पेशली श्री रामनवमी शोभा यात्रा के लिए। तो अब चलते हैं डी ब्लॉक की तरफ और वहाँ पर जाके अपनी तैयारी भी देखनी है हमारे को कि हमारी कितनी तैयारी और रहेगी है कितनी रह करती है। पब्लिक की डिमांड थी, इन्हें प्रदान को आना पड़ा। वो बेटा तेरे
दिन भी आ गई प्रधान डीजे का कोई तोड़ना। अब मैं तैयार हो गया हूँ, अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब चलते हैं इधर अपने डी ब्लॉक पे अपने डीजे और बग्गी के पास में और उनको लेके फिर अपने सभी भाइयों को साथ में लेके अब निकलते हैं और श्री रामनवमी शोभा यात्रा जो स्टार्ट हो गया और उनके साथ फिर चलते मिलते हैं। अब तैयार हो गए हम लोग सभी रामनवमी शोभा यात्रा में सम्मिलित करने के लिए। अब निकल रहे हैं हम, हमारी भी तैयार है, निकलते हैं और आप लोगों को आप दिखाएंगे पूरे ब्लॉग में पूरी श्री रामनवमी शोभा यात्रा। आपको अपने इसी ब्लॉग में मतलब अपने इसी यूट्यूब चैनल पे दिखाऊंगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज आप लोग